ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मुझे विमेन अचीवर्स टॉप 100 विमेन अचीवर्स ऑफ इंडिया अंडर द कैटेगरी ऑफ विमेन पब्लिक लाइफ में सेलेक्ट करा गया है। कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि ये गौरवान्वित बात है मेरे पंचायत के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मगर साथ ही साथ मैं इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन समझती हूँ, क्योंकि अभी तो हमने काम शुरू करा ही है, अभी तो हमें 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और उसके बाद हमारे काम को इतना ज्यादा सराहा गया है। हमारे माननीय यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने भी ट्वीट करा मेरे बारे में, फेसबुक पे लिखा। तो इतनी कम उम्र में इस चीज पे पहुंचना, और मैं इसको एक सम्मान के साथ साथ ऐसा देखती हूँ कि जब मैं वहां जाऊंगी 22 जनवरी को, तो मुझे वहां पे हिंदुस्तान की और बाकी 99 टॉप 100 वुमेन अचीवर्स में जो और महिलाएं हैं वो मिलेंगी, और कहीं ना कहीं जो उनकी एक्सपीरियंसेस हैं वो आगे जाके मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल रोल प्ले करेंगी, क्योंकि उन चीजों का एक्सपोजर मैं यहाँ आके उनको अपनी पंचायत में इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी। तो ये दो एक है ना, एक पंथ दो काज का एक ही रोल बहुत बड़ा है जो आज प्ले होने वाला है। इस चीज से नौकरी मिली, बाहर भी मिल सकती थी, अपने खुद के देश में भी ऑफर्स थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, बहुत तरह तरह के ऑफर्स थे बेसिकली। फ्रॉम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की मेरे पास जॉब थी, इवन टीचिंग का भी मेरे पास था, एडहॉक टीचर बनने की मेरे पास वो थी। वहां पे इसलिए आए क्यों, क्योंकि ये मेरी भूमि है। एक होती मातृभूमि, कर्म भूमि। मेरे दादाजी किसान, मेरे पिताजी किसान, मेरे ब्रदर तो अपने सीरियसली लाखों के पैकेजेस अपने घर छोड़ के वापस यहाँ आए, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं ये शिक्षा तालीम दी गई थी कि हमें अपने घर से जुड़ना है, अपनी जमीन से जुड़ना है, जिस जमीन की वजह से आज हम रोटी खा रहे हैं, जिस जमीन ने इतना कुछ दिया, थोड़ा इस जमीन के लिए क्यों ना कुछ करा जाए। अगर यहाँ के लोग मुझसे खुश हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले लोग मुझसे, मैं लोगों को खुश कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर वो मैं ये नहीं चाहती कभी कि कोई व्यक्ति अपने कल्चर से हटे। अगर यहाँ की गांव की महिलाएं अगर पल्लू पकड़ती हैं तो मैं इनका भी नहीं चाहूंगी कि नहीं वो पल्लू हटाए, वो जींस, वो उनका कल्चर है। मैं किसी को उसके कल्चर से नहीं हटाना चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि वो अपनी सोच बदलें, उनकी सोच के दायरे को वो बहुत ज्यादा खुला करें, उनकी सोच के अंदर वो एक पॉजिटिविटी लेकर आए। दैट्स इट। और अगर कोई भी मुझे पॉलिटिकल पार्टी अगर कहेगी जुड़ने के लिए तो मैं खुशी से जुड़ूंगी उनके साथ। केंद्र सरकार कितनी ज्यादा पॉलिसीज लेकर आ रही है, बेटी बचाओ, शौचालय की बात वो खड़े होके लाल वहां पे कर रहे हैं, इससे मतलब वो उनकी सारी पॉलिसीज आप देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन की पॉलिसी, जनधन योजना के तहत गांव को जोड़ना चाहते हैं, 99% लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं तो मतलब ये जनधन योजना के लिए है। सर दूसरा आप शौचालय के लिए देखिए, अगर उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, सो वी आर वर्किंग ऑन इट। सर तीसरा आप देखें कि नरेगा से कुछ सड़कें, मनरेगा तो बचा नहीं है बट नरेगा से सर हम सड़कें बनवा रहे हैं, सर लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम उनको रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं चीजों से, मजदूरी जैसे कहते हैं। सो चौथा हम ये देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान के तहत, मिड डे मील के तहत बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। अब जो हमारे मध्य प्रदेश की जो एक वो है अपना बेटी बचाओ, तो सर उसके लिए मेरा खुद का योगदान है कि मैंने अपनी सरपंच मानदेय त्याग दिया है, तो जिस भी घर में बेटी होगी सर मैं उसको अपना 2 महीने का अपनी वो दूंगी, अपनी मानदेय दूंगी। और साथ ही साथ सर हम एफॉरेस्टेशन पर काम करेंगे उस बेटी के